Hello students, once again we are talking about same chapter which we already talked in the previous video. इस chapter में जो आपका बच गया था वही आप वापस से देखने जा रहे हैं, और जैसा कि यह है कि आपको बार बार फ्लो चार्ट पर बनाना होगा, बोर्ड पर क्या लिखना होगा, इसलिए मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पर लिख दी है जो कि आपको दिख रहा होगा। तो बस ये है कि मोटा मोटा काम ये है कि मैं आपको उसको डिटेल में बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको मैंने लिखा है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ, और जो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो सबसे पहले जो आपकी बात करते, कल आपने जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें आपने जो देखा था शुगर कैन तक आपने अच्छे इसको अच्छे से कर लिया था। अब वो नहीं, क्रॉप्स में जो आगे आ रहा है, तो सबसे पहला अपना जो कंटेंट बचा हुआ था, जो सारी चीज़ें जो बची हैं, बस ये चीज़ें बची है जो आपको बोर्ड पे दिख रही है वो बता देता हूँ। क्रॉप्स में आपके यहाँ पे ऑयल सीड आ रही है, तो ऑयल सीड में आपको यहाँ पे क्या क्या हो गया, ऑयल सीड में आपके मूंग हो गया, अरहर हो गया, लाइन सीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, और ये सारी सारी जो चीज़ें होती है ये सारी सारी आपके यहाँ पे क्रॉप्स में जो आ रही है ऑयल सीड इसमें आती है। तो इसमें आने के बाद भी ये क्या होता है, मैंने बताया जैसे रिच प्रोटीन होता है, और इंडिया भी सेकंड रैंक पे है, और फर्स्ट रैंक पे अपना चाइना है। कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न में यूज़ किया जाता है, खरीफ की क्रॉपिंग पैटर्न में इसको यूज़ किया जाता है, और खरीफ की क्रॉपिंग पैटर्न में यूज़ करने के साथ साथ इसके जो रीजन्स हैं, मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया, रीजन आएगा, रीजन कौन कौन से है, तो रीजन की अगर बात करें तो इसमें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनमें इसको क्रॉप्स की जाती है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे मोस्ट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या सन डेज के अकॉर्डिंग ये हमारे यहाँ पे क्रॉप्स की जाती है। तो उसका कोई मैटर नहीं है कि आप, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो आप नहीं करोगे, तो इसमें आप लिख लेना कि स्काई फ्री या क्लाउड फ्री टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। एक चीज़ यहाँ पे एक नोट और कर लेना आप यहाँ पे कि ऑयल सीड में दो चीज़ें होती है, एक तो लाइन सीड होता है, एक मस्टर्ड होता है। ये दोनों खरीफ में ना होकर रबी में होती है, और जो बाकी जो सारी जितनी पल्सेस बची हैं वो सारी सारी आपकी खरीफ में होती है। बस छोटा सा इसमें जो मेजर करने का जो काम था वो ये था कि ऑयल सीड जैसे मूंग हो गया, अरहर हो गया, ग्रैंड्स हो गया, मैज हो गया, ये सारी सारी जो चीज़ें आती हैं जो आपकी जो ऑयल सीड में आती है, तो उस ऑयल सीड में लाइन सीड और मस्टर्ड ये रबी में होता है, और सारी सारी जो बची हुई है वो खरीफ में होती है। उसके बाद में आता है टी, उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे टी आता है, तो टी की भी प्रोडक्शन की अगर बात करें तो टी का प्रोडक्शन भी हमारे इंडिया में सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे अपना चाइना है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि इसकी जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है, क्रॉपिंग पैटर्न को कोई नहीं होता क्योंकि ये लंबा चौड़ा प्लांटेशन होता है, उसमें उसी तरह की क्रॉपिंग की जाती है। इसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स को आपको ब्रेकडाउन करना होता है, प्लग करना होता है, और इनके लीव्स पे ही आपको यहाँ पे टी लीव होती है जो आपके पैकेट्स में आपको आती है। चलो ठीक है, उसके बाद आप रीजन की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से रीजन में इसकी क्रॉप्स की जाती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पूरा पूरा डिटेल लिख दिया है कि कौन कौन से रीजन में कहाँ कहाँ पे होता है। आसाम होता है, दार्जिलिंग होता है, जलपाईगुड़ी में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, उसके साथ उत्तराखंड मैंने लिख दिया है, मेघालय लिख दिया है, आंध्र प्रदेश लिख दिया है, त्रिपुरा लिख दिया है। तो ये सारे सारे जो रीजन मैंने आपको बताया ये किसके लिए है, ये टी के लिए है। टी की क्रॉप्स या टी का जो प्लांटेशन होता है उन प्लांटेशन में कौन कौन से रीजन पे होता है, तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे इसका जो मैंने लिख दिया है कि इसका क्लाइमेट है वो क्लाइमेट कैसा होगा, क्लाइमेट का ट्रॉपिकल होना जरूरी है, और ट्रॉपिकल होने के साथ साथ इसमें फर्स्ट प्री टेम्परेचर भी होना जरूरी है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो ब्लॉक बना के बना लिखा है, सर्कल बना के लिखा है, तो इसमें लेबर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। लेबर रिक्वायर क्यों होता है कि जितनी भी जो लीव्स आती है वो डेली में आती है, नई नई जो लीव्स आती है नई नई लीव्स को प्लग करना होता है, और वही यहाँ पे पैकेट्स में डल के आती है, इसलिए सबसे ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायर होती है आपको टी के प्लांटेशन में। टी के प्लांटेशन का बात करें तो ये सब कुछ आपका हो गया, सेकंड रैंक आपकी इंडिया की है, ये उसका एरिया हो गया, पोस्ट फ्रीज ये होता है, लेबर का रिक्वायर होता है। आगे बात करते हैं कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी की अगर बात करें तो कॉफ़ी आपके यहाँ पे कहाँ पे पाई जाती है, कॉफ़ी आपके यहाँ पे बाबा बुडन हिल्स है, उसके साथ साथ कर्नाटका है, केरला है, और तमिलनाडु, यहाँ पे उसका होता है कॉफ़ी की क्रॉप्स। वही कॉफ़ी क्रॉप्स की अगर बात करें तो जैसे क्लाइमेट की अगर बात करें तो क्लाइमेट जैसे टी की चाहिए होती थी उसी तरह का यहाँ पे पोस्ट फ्री और ट्रॉपोग्राफी वाला जो टेम्परेचर चाहिए होता है, क्लाइमेट चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉफ़ी में भी वही लिख सकते हैं। ये उसका एरिया हो गया, और उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन फूड क्रॉप्स की, ये तो अभी तो थी हमारे यहाँ पे जो फूड क्रॉप्स थी या ब्रेवरेज क्रॉप्स थी, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ब्रेवरेज क्रॉप में आती है, ऑयल सीड हो गया, या हमारे यहाँ पे ग्रैंड्स आती है जो एटेबल फूड्स होते हैं। अब बात करते हैं नॉन फूड ग्रैंड्स की, नॉन फूड क्रॉप्स की बात करें जिसमें किसी तरह का कोई भी यूज़ नहीं होता खाने पीने में, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज़ करना होता है, तो वही बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे जैसे क्रॉप्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है रबर, और रबर के बारे में आपको पता है कि रबर जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं उनके जो
निकलने वाला जो पेस्ट होता है या उनका जो निकलने वाला दूध होता है उसी से आपको यहाँ पे बनकर तैयार होता है। उसके साथ साथ अगर क्रॉप्स की अगर बात करें तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, तो कॉटन और जूट की अगर बात करें तो कॉटन भी हमारे यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्शन तो नहीं है, सेकंड प्रोडक्शन आपकी है। और इसके साथ साथ में कॉटन की जो ग्रोथ होती है, कॉटन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो अपनी जो इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए यहाँ पे इसका क्रॉप्स किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि कॉटन, तो कॉटन के लिए आप एक छोटा सा वो उसी तरह का टेबल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसमें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉटन में आपको दो ही चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी, टेम्परेचर और सीजन। और साथ साथ में टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिख सकते हो। सीजन अगर आप बात करें तो खरीफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। और उसके साथ साथ में रेनफॉल अगर बात करें तो रेनफॉल में भी आप इसमें लिख सकते हो। तो रेनफॉल यहाँ पे 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट का टेम्परेचर आप इसमें रिक्वायर कर सकते हैं, इसको आप इसमें शो कर सकते हैं। और इसकी अगर बात करें तो कॉटन वाली जो क्रॉप्स हैं, उस कॉटन वाली क्रॉप्स की अगर बात करें तो इसको 210 डेज, कॉटन की अगर बात करें तो इसमें 210 डेज होते हैं वो मोस्ट या फ्रॉस्ट फ्री कह सकते हैं, मोस्ट फ्री या फ्रॉस्ट फ्री कह सकते हैं। धुंध नहीं होनी चाहिए, कोहरा नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह की क्रॉप्स होगी तब जाके वो जो कॉटन के जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्रश्ड अप होंगे या वो राइप अप होंगे। अगर इस तरह का नहीं होगा तो वो राइप अप नहीं होगा, आपकी क्रॉप से अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। उसके बाद में अगर जूट की बात करें तो जूट हमारे यहाँ पे सबसे एक ऐसी क्रॉप्स है जो फाइबर क्रॉप्स में आती है। कॉटन भी हमारे यहाँ पे फाइबर क्रॉप्स में आती है और जूट भी हमारे यहाँ पे फाइबर क्रॉप्स में आती है। साथ साथ अगर जैसे कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन की प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होगी, तो कॉटन की प्रोडक्टिविटी की मैं लिए यहाँ लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश में हो गया, यूपी में हो गया, बिहार में हो गया और कर्नाटका तेलंगाना ये वाला जो एरिया है वहाँ पे भी इसको अच्छे से देखने को मिल जाएगा आपको कॉटन की क्रॉप्स। आगे बात करते हैं जैसे जूट है, तो जूट हमारे यहाँ पे किस लिए यूज़ किया जाता है, या हम जूट को और सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो जूट को आपके यहाँ पे गोल्डन फाइबर भी बोला गया, गोल्डन फाइबर भी बोला गया। तो गोल्डन फाइबर इसलिए बोला गया है कि इसका यूज़ किसने किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है मैट्स बनाने में, इसका यूज़ किया जाता है बैग बनाने में, इसका रूप इसका यूज़ किया जाता है रोप्स बनाने में, इसका यूज़ किया जाता है कारपेट बनाने में, इसका यूज़ किया जाता है यार्न बनाने में। तो इसलिए इसको गोल्डन फाइबर भी बोला गया है। इसकी इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ है, इसकी इंडस्ट्रीज से भी हमारे यहाँ पे जीडीपी काउंट की जाती है। और कैसा कहें कि हमारे यहाँ पे जो वैल्यूबल जो सोर्स है या जो हमारे यहाँ पे नॉन फूड क्रॉप्स में एक अलग से इम्पोर्टेंस रखती है जूट्स की। तो जैसे जैसे आप डिटेल्स में जाओगे तो या चैप्टर पढ़ोगे तो वो सारी डिटेल्स आपको इस चैप्टर में दी गई है। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पे होती है। तो जूट की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल की बात कर सकते हो आप, इसमें यूपी की बात कर सकते हो इसमें आप। तो ये सारे जो रीजन है ये कहाँ है जहाँ पे जूट की क्रॉप सबसे ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ आप इसमें बांग्लादेश लिख सकते हो, मेघालय लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको जूट की क्रॉप में लिखनी होगी। साथ साथ अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर को किस तरह से आगे बढ़ाने में हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आया, क्योंकि आपके जो चैप्टर जब लास्ट होता है तो लास्ट होने में सबसे पहला जो सबसे लास्ट वाला जो कंटेंट दिया गया है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबलाइजेशन, विद द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि जो हमारे और ही एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप दो एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो इंडिया का एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो इंडिया के जो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इंडिया का जो फार्मर है वो किस तरह से क्रॉप करता है, और दूसरा एग्जाम्पल आप यूएसए के फार्मर्स की बात कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आपको कंपैरिजन पता चल जाए कि दोनों के जो फार्मर्स हैं वो किस तरह से हमारे यहाँ पे क्रॉप्स करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने आस पास में जो फार्म्स एरिया है उन लोगों के द्वारा फार्मिंग की करते हुए आपने देखा होगा कि इंडिया में जितने भी जो फार्मर्स होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग वो करते हैं, और HYV सीड्स भी वो यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर वगैरह यूज़ करते हैं, और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसी तरह का कोई भी हमारे यहाँ पे जो जो किसान सेंटर्स होते हैं या उनके जो प्रोडक्टिविटी को अपग्रेड करने के लिए जितने भी जो केमिकल प्रोसेस होती है उनको थोड़ा यूज़ करने में थोड़ा सा डरते हैं। बट अगर उसी की तरह से अगर हम बात करें यूएसए में, तो यूएसए में हमारे यहाँ पे जो पैटर्न यूज़ किया जाता है उससे थोड़ा सा अलग यूज़ किया जाता है। HYV सीड्स वहाँ पे होता है, HYV सीड्स के यूज़ करने के साथ साथ उनके कुछ
केमिकल प्रोसेस होते हैं, उस केमिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनके जो सीड्स को उनके साथ रिएक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे उगाया जाता है। साथ साथ उनके जितने भी जो सिस्टम होते हैं या उनके जितने भी जो फार्मर्स होते हैं वो अपने सिस्टम को सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं, और सैटेलाइट से कनेक्ट करने के पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि उनको बार बार में अपने खेत या फार्म एरिया में जाकर देखने की जरूरत नहीं होती है कि आपके खेत एरिया में, आपके खेत में, आपके फार्म एरिया में, आपके फील्ड में किस तरह का कोई जानवर जाकर आपके फार्म एरिया को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। उसी सैटेलाइट से वो ये भी देखते हैं कि आपकी फसल को आप पेस्टिसाइड की जरूरत है कि नहीं है, वाटरिंग की जरूरत है कि नहीं है, किसी तरह के कोई भी इंसेक्ट डालने की जरूरत, इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत है कि नहीं है, वो सारी सारी पिक्चराइजेशन या जो भी उनका जो विजुअल मिलता है वो सैटेलाइट की हेल्प से मिलता है। तो कहने का मतलब भैया कि जो अंडर ऑब्जर्वेशन करते हैं ये सैटेलाइट्स की वजह से करते हैं, और हमारे यहाँ पे जो अंडर ऑब्जर्वेशन करना होता है ये हमें फिजिकली वहाँ पे जाकर ही करना होता है। सेकंड, अगर बात करें कि ग्लोबलाइजेशन की अगर इम्पैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ की गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। जैसे एक छोटा सा रीज़न और भी देते हैं कि हमारे इंडिया के जो फार्मर्स होते हैं, उन इंडिया के फार्मर्स के पास में उनका जो लैंड होता है वो बहुत कम होता है। किसी के पास 2 हेक्टेयर हुआ, किसी के पास 10 हेक्टेयर हुआ, किसी का 50 हो गया। और अगर हम बात करें कि यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जो लैंड्स होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से क्रॉप्स कर पाते हैं। क्रॉप्स करने के साथ साथ उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी आगे बढ़ी होती है, आगे बढ़ती है, और उनका GDP में यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें GDP की, तो इंडिया की जो GDP है उसमें कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का होता है, तो हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे जो रेशियो दिया गया 2010-11 का या 2011-12 का, तो उसमें 52% जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया वो GDP में वो इंडिया के एग्रीकल्चर से किया गया था। तो एक चीज़ और भी थी, जैसे अगर हम बात करें कि हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे एग्रीकल्चर के लिए या जो जितने भी जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स हैं, तो हम कह सकते हैं धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस है एग्रीकल्चर की वो आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने के साथ साथ जितने भी जो लोग्स हैं या जितने भी जो पीपल्स हैं जो एग्रीकल्चर के फार्म या एग्रीकल्चर के जो काम करते हैं, तो उनको भी एक सपोर्ट मिलेगा, वो भी किसी ना किसी तरह से आपको यहाँ पे आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक चीज़ और भी थी यहाँ पे, जैसे किसान सेंटर्स होते हैं, तो किसान सेंटर का काम क्या होता है, वो 24/7 अपना खुद का वेब चैनल बना के रखते हैं, खुद का ही अपना एक सब सेंटर बना के रखते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जो फार्मर्स को आती है तो 24/7 में उनके जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं उन टोल फ्री नंबर्स के अकॉर्डिंग वो उन पे कॉल करके जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हाँ भाई आपके जो फसल है, आपने जो ग्रेंट्स हुए हैं या आपकी जो क्रॉप्स है वो मैच्योर नहीं हो पा रही है, राइप अप नहीं हो पा रहा है, या आपके फ्रूट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो जो जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह का जो भी आपने प्रॉब्लम यहाँ पे शॉप किया है, तो आप वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। साथ साथ आप उसमें ये भी हो सकते हैं कि जब किसी तरह की क्रॉप्स आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फार्म एरिया का थोड़ा सा पार्ट लेके वहाँ पे केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल प्रोसेस के लिए, वहाँ पे टेस्ट के लिए किसान सेंटर में भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी क्रॉप्स के बारे में पता चल सके, आपके लैंड एरिया के बारे में पता चल सके कि आपका जो फार्म एरिया है वो कौन सी क्रॉप्स के लिए अब यूजफुल है। ये सारे सारे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस है या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। एक चीज़ और भी थी आपकी, यहाँ पे भूदान और गामदान का एक छोटा सा कंटेंट दिया गया था, उस कंटेंट में ये दिया गया था कि पहले के समय में कोई मूवमेंट चल रहा था, तो उस मूवमेंट में जब गांधी जी के सपोर्ट करने वाले लोग थे, तो उस टाइम जब गांधी के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया था, उस टाइम वो मूवमेंट सपोर्ट हो सक्सेस होने के लिए या सक्सेस होने के बाद वहाँ की जो ज़मीन थी वो लोगों को दान में दी गई, वो तो भूदान और ग्रामदान। जैसा आप इसको डिटेल में जाओगे तो आपके बारे में, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि भूदान ग्रामदान क्या था और इसमें किस तरह का मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, लोगों ने इसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया था, तो वो सारी सारी कंटेंट आप इसके चैप्टर में जब आप डिटेल से पढ़ोगे तो ये सारा सारा आपको समझ आ जाएगा। तो ये पिछले वाले वीडियो में और इस वाले वीडियो में ये चैप्टर जो आप